अननोन क्लास 8 एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5। लाइव क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 किया था, तो अब हम उसको और डिफाइन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपका इसका सॉल्यूशन बताया था। सबसे पहले हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व करेंगे कि इसको टीपीएम यूज करें, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करें, या फर्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करें। तो क्वेश्चन में क्लियरली है कि सभी अलग अलग है, सेपरेट हैं थ्रू द साइन, इसलिए सबसे पहले हम इसका टीपीएम से करते हैं। टीपीएम ट्रांसपोजिंग मेथड, दैट मीन्स डिजिट का, वेरिएबल्स और प्लेन नंबर्स का ट्रांसफर करना। तो x इज हेयर -8/3 वेरिएबल है हियर, एंड नेक्स्ट -5x/2, तो इसे हम RHS से LHS पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, 17/6 ऑन RHS साइड एंड 7 जस्ट कम ऑन RHS साइड, सो इट कन्वर्ट +2-। इसको सॉल्व करना है, 1, 3 and 2 का 6 LCM है, सेम उसी प्रोसेस से इसे सॉल्व करना है रेशनल पैटर्न से। अब LCM में 1 का डिवाइड, ओके, और डिवाइड देन मल्टीप्लाई, तो ये सॉल्यूशन के पैटर्न से। और अब तो आप लोग क्लास 8th में आई थिंक सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन का आंसर ये है मेरे पास, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये आई है कि डिनोमिनेटर अगर बोथ साइड पर सेम होता है तो हम उसको यहां से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं यहीं। इसके बाद 6x और 15x दोनों को प्लस किया, 21x, -16x को माइनस किया, देन 5x, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, एंड 42 से 17 को हटाया तो बन गया -25, और ये आ गया सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन था इसका -5। अब हम इसका चेक द रिजल्ट, आई होप यू डिड दैट, लेकिन अब हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ की ये आंसर राइट है और रॉन्ग है। तो इसका आंसर को हम चेक करेंगे। चेकिंग के लिए सेम उसी पैटर्न से हम फर्स्ट वी राइट द इक्वेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्वेशन x प्लस 7 माइनस 8x/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5x/2। x की वैल्यू जो भी है उसे हम x के प्लेस पर रखेंगे, सो x इज -5 प्लस 7 माइनस 8 मल्टीप्लाई -5/3 इक्वल्स टू 17/6 माइनस 5 मल्टीप्लाई -5/2। ओके, प्लस माइनस माइनस यही सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज 2 प्लस माइनस माइनस क्या होता है, -7 से 5 हटाए 2। यहां इनका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो -5 को -8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गए माइनस माइनस प्लस 40/3 इक्वल्स टू 17/6, सेम वही कंडीशन, माइनस माइनस प्लस 25/2। नाउ सॉल्यूशन, टेक एलसीएम बोथ साइड, हियर इज 3 एंड हियर इज 6, 1 3 जा 3 6 प्लस 40/46/3, ये हुआ LHS का सॉल्यूशन। नाउ RHS, 6 17 प्लस 2 3 जा ओके एंड 3 75, 3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो 75। नाउ 75 और 17 को ऐड करेंगे, 7 and 5 दिस इज 12 एंड 9 and 6, इसे हम 2 से डिडक्ट करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 एंड 2 3 जा 6। तो बोथ साइड LHS इक्वल्स टू RHS, 46/3 इक्वल्स टू 46/3 LHS इक्वल्स टू RHS, सो x इक्वल्स टू -5 इज करेक्ट आंसर। तो डू दिस वन इन योर नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 4, x-5/3 इक्वल्स टू x-3/5। देखने से साफ है कि इक्वेशन के बैलेंस के LHS और RHS बोथ साइड पे वन ग्रुप है, सो वी यूज हियर क्रॉस मल्टीप्लाई। x-5 को
5 से मल्टीप्लाई किया और x माइनस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया. सेम वही सॉल्यूशन, पहले 5 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5x माइनस 5 5 जा 25, 3 को x से किया 3x और 3 को माइनस 3 से किया तो माइनस 9. लीनियर इक्वेशन क्रिएट हो गई. अब हम देखेंगे कि ये x है, ये x है, सॉरी ये x है, ये प्लेन नंबर है, ये x है प्लेन नंबर. तो हमें यहाँ क्या करना होगा, बाय द टीपीएम. टीपीएम में LHS पे वेरिएबल्स नंबर, सो 5x इज हेयर एंड माइनस प्लस 3x कन्वर्ट इन टू माइनस 3x, माइनस 9 इज हेयर एंड माइनस 25 कन्वर्ट इन टू प्लस 25, 2x इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस एंड 25 से माइनस 9 को डिफरेंस हुआ तो आंसर आया 16 एंड x इक्वल्स टू 16 अपॉन में 2, दैट मीन्स 8. तो x की वैल्यू आई 8. चेक द रिजल्ट. सेम जहां इक्वेशन लिखेंगे x की वैल्यू 8 है तो कीप द वैल्यू ऑफ x वेयर द x इज सिचुएटेड. सो 8 माइनस 5 अपॉन 3, 8 माइनस 3 अपॉन 5, 3 अपॉन 3, 5 अपॉन 3 एंड 1 इज 1. एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस. सो x इक्वल्स टू 8 इज करेक्ट आंसर. नाउ कम ऑन, मॉर्निंग में हमने क्वेश्चन किया था और यहां सिंपलिक जो थिंग्स थी ये मैं दोबारा आपको बताती हूँ. क्वेश्चन में अगर इस तरह से माइनस होता है तो मैंने वेरिएबल्स में आपको बताया हुआ है कि माइनस अगर बाहर होता है तो सिंबल क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं. ओके okay?